न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नसेरा सेक्टर में सोमवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से की जा रही फायरिंग में शहीद हुए गोरखपुर के गोरखा रेजिमेंट के हवलदार दीपक कार्की का सैनिक सम्मान के साथ राजघाट पर किया गया अंतिम संस्कार। जिले के अधिकारियों जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अपहृत लड़की को मात्र 2 घंटे में रामगढ़ताल पुलिस ने किया बरामद। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडल में संचालित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के निर्माण एजेंसियों की बैठक। कार्यों को समय अनुसार गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। भाजपा सांसद कमलेश पासवान को पनेसिया हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर बनने को लेकर छात्र संघ चौराहे स्थित पनेसिया अस्पताल के बाहर सोमवार को दोनों पक्षों में हुआ जमकर बवाल। डीएम ने हॉस्पिटल को कराया सील। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दोनों पक्षों के विजय पांडे और डॉक्टर प्रमोद सिंह ने रखी अपनी अपनी बात। कहा कोर्ट के फैसले के बाद होगा निर्णय। क्राइम ब्रांच और पीपीगंज थाने की पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लूटे गए नगद धनराशि सहित सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। 7 जुलाई से संपन्न होगी गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों के वार्षिक परीक्षा की अवशेष परीक्षाएं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा पूरा ध्यान। साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए जिले में खुले रेंज का पहला साइबर क्राइम थाना। डीआईजी रेंज ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा एक्सपर्ट टीम करेगी साइबर क्राइम का खुलासा। सदर तहसील के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉटस्पॉट का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। एसडीएम सदर के नेतृत्व में खोराबार क्षेत्र के जंगल चवरी में लगाया गया मोबाइल ओपीडी। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ बनाए गए नए राशन कार्ड तथा किया गया राजस्व मामलों का निस्तारण। गोरखपुर जिले में रेलवे के गार्ड और उसकी पत्नी समेत 6 लोग मिले संक्रमित। अब कुल संक्रमितों की संख्या हुई 246। 174 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। 61 संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। बेलीपार थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव में रिलेशन में आई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। सूचना पर हरकत में आई बेलीपार पुलिस। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखनाथ थाना के हॉटस्पॉट एरिया जटेपुर उत्तरी मनसाबाग का मंगलवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने किया निरीक्षण। लोगों को किया जागरूक। कहा बरते सावधानी बचे कोरोना महामारी से। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा तिवारीपुर थाने का किया गया निरीक्षण। थाने में बने नए लॉकअप का फीता काट कर किया उद्घाटन। थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह को नगद धनराशि देकर किया पुरस्कृत। और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को अगली कक्षा में पदोन्नति किए जाने के लिए कुलपति को सौंपा ज्ञापन। वार्षिक परीक्षा को निरस्त करने की मांग।